बेटा बेटा बताओ कौन सी क्लास में हो, पढ़ाई कैसी होती है, आगे का क्या प्रोग्राम है? नाइन्थ में हूँ, अच्छी होती है पढ़ाई और सही है, हम टेंथ में अब ए बनाएंगे। ओके, तो टेंथ से आगे का भी कुछ प्रोग्राम सोच रखा है, क्या बनने का प्रोग्राम? एयरोस्टेस। क्या बात है। आई सीन दैट टू डॉटर सील प्रिपेयर फॉर एयरोस्टेस, वेल डन, वेरी नाइस, थैंक यू। और कौन से बच्चे हैं जिनसे बात नहीं हुई अभी हमारी? अरे वाह बेटा, बताओ क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। ठीक है, पढ़ाई कैसी होती है बेटा? अच्छी होती है। ठीक है, अभी कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ। किस तरह से आगे पढ़ाई का शेड्यूल बनाना चाह रहे हो? सर एट्थ में तो ए बना लूंगा और टेंथ में तो 90 बेटा। अपना नाम बताए, अभी आपसे मेरी बात थोड़ी हुई है, हुई थी लेकिन नाम नहीं पूछा था। मेरा नाम ज्योति है, मैं क्लास अभी पास की हूँ, 9th में गई। ओके बेटा, वेल डन, बहुत अच्छे। हाँ बच्चों, कोई बच्चा चैनल बेटा बटोई विजन के नाम से यूट्यूब का चैनल है, सर से लेके और सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, अब अपना अपना वीडियो देखना है। और बच्चों को बुला लो बेटा, किससे बात की हुई हमारी? आओ बेटा, आओ बेटा, है ना, बताओ बेटा। मंगल, मंगल नितिन, बिल्कुल बताओ बेटा, कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ाई कैसी होती है, क्या प्रोग्राम है आपका? मैं क्लास 7 से पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल मतलब कि इस एरिया के नंबर 1 स्कूल है और आगे 8th में मैं ए बनाने की कोशिश करूंगा और 10th में 95 अबाउट बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। आगे क्या क्या प्रोग्राम है बच्चे बनने का? पैरा कमांडो। और हाँ बेटा बोलो। सर मेरा नाम अंश चौधरी है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और इस हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। 8th में तो मैं 1 ग्रेड ला रहा था और 10th में 99 पर। ओके, बहुत बढ़िया। बच्चे लोगों, आप लोगों से मेरी बात हो गई क्या? आप लोग कौन सी क्लास में हैं पढ़ाई में? क्या नाम है आपका? कनक। कनक बेटा, अभी क्या स्कूल की पढ़ाई कैसी है और भविष्य के लिए आपने क्या प्रोग्राम बना रखा है? मेरी पढ़ाई अभी बहुत अच्छी चल रही है, मैं भविष्य में बनके एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। अरे वो बेटा क्या बात है, इस स्कूल में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एयर होस्टेस बनना चाह रही है, कारण क्या है? कारण सर सपना है। अरे बहुत बढ़िया बात है ना, हमारी देर सर आपको आशीर्वाद, बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल। सर स्टडी इन 6th क्लास, माय नेम इज निधि कंवर। ओके बेटा, माय ड्रीम इज आईपीएस। आईपीएस ऑफिसर। वेल डन बेटा, वेल डन, है ना, बहुत अच्छा लगा। जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल बना हुआ है। बेटा अपने बारे में बताएं। माय नेम इज अनुष्का कौर, आई एम स्टडी 5th क्लास। मैं अभी 5th में आपको कितने मार्क्स लाने हैं? नहीं सर, मैं 6th में आ गई। अरे अभी 5th में चल रहा था इतने दिन, तो अब 6th में आए तो भूल गए। ठीक है बेटा, ठीक है ना, तो अभी 6th में कितने मार्क्स लाने हैं और स्कूल कैसी है ये बताओ? स्कूल तो बहुत अच्छी है और मुझे इधर मेरा मन करता है मैं 99 ऑफ लाऊं। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे बेटा, आप चाहोगे ना तो बिल्कुल 99 आ जाएंगे बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। आपसे होगी बात? बच्चे लोगों, आप लोगों से बात करना चाहेंगे, कौन आप लोगों से बात थोड़ी हुई है मेरी, है ना, अपना नाम बताएं, कौन सी क्लास में है और आपकी किस स्कूल की पढ़ाई कैसी है और आप लोग क्या बनना चाहते हैं? माय नेम इज खुशी श्रीवास्तव, स्टडी इन 6th क्लास। मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ओके, हमारी स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, हमारे टीचर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, घर पे पेरेंट्स भी मोटिवेट करते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा, नाम बताएं। माय नेम इज अंजलि यादव, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ।
ठीक है बेटा। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाह रहे हैं पढ़ाई। बच्चे लोगों आधे मेरे इधर आ जाओ, आधे इधर आ जाओ, है ना। मैं बीच में आता हूँ ना, इधर आ जाओ आधे बच्चे, फिर बातचीत करते हैं, है ना। शाबाश, है ना। अपना नाम बताएं। माय नेम इज अनुष्का कुमारी। ओके बेटा। आई स्टडी इन 6th क्लास। माय स्कूल नेम इज बचपन किड्स स्कूल। मैं बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ओके। और अभी मेरी 5th क्लास में ए ग्रेड बनी। आप क्यों बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर? अपने देश की सुरक्षा और भक्ति करने के लिए। ओके। नहीं, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में ऐसा क्या आपके हाथ में आता है कि आप जो है वो देश के लिए और अच्छा कर पाते हैं, क्या कारण है? मतलब कि हम मैं अपने जनता के लिए अच्छे काम, अच्छे अच्छी सुविधाएं बनाऊंगी और अच्छे काम करूंगी। तो बेटा मैं थोड़ा क्लियरफाई कर देता हूँ, आप ये कहना चाह रहे हो आईएएस के बाद में जो पावर मिलते हैं उसके बाद में आप क्या करोगे, उन पावर का अच्छे से इस्तेमाल करके और आप जो भी जनता है उनको लाभदायी करोगे, यही ना। बहुत बढ़िया बेटा। आपने कार्य बताया बेटा। माय नेम इज जानवी आंतल। आई स्टडी इन 6th क्लास और मैं बड़ी होकर मजिस्ट्रेट बनना चाह रही हूं। माय फर्स्ट डॉटर इज सेइंग दैट आई एम गोइंग इन जुडिशरी। व्हाई? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई बेकसूर गुनाह के लिए आए। और बेटा अभी बात करते हैं, आपको पता है उसके लिए पहले आपको लॉ करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको वो सारा आपको मालूम करना होगा कि जुडिशरी जाने के लिए। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरी जिंदगी पढ़ने के लिए। ओके, वेल डन बेटा, हमारी शुभकामनाएं और बिल्कुल इस जुनून को बनाए रखना, है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू, है ना। हाँ बेटा बताओ, क्लास टॉपर बच्चे का नाम पूछना चाहेंगे। मंगल तिवारी। मंगल तिवारी, मंगल बताओ आपका क्या प्रोग्राम आगे का, भविष्य का क्या प्लानिंग है? सर मेरे को डॉक्टर बनना है। ठीक है बेटा, डॉक्टर क्यों बनना है? सर मेरी मम्मी ना दिन रात बीमारी रहती है। ओके। हमारी मम्मी की सेवा करना है और बाकी लोगों की भी। तो डॉक्टर में किस सेगमेंट में आपको कौन सा डॉक्टर बनना है? जैसे होता है ना आंखों का, हार्ट का, माइंड का। माइंड का, ब्रेन। हाँ ब्रेन डॉक्टर। बहुत बढ़िया, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, है ना। मंगल बेटा आप बताओ अपने बारे में। हो गया आपका, इस बेटे का हो ही गया, है ना। आओ बेटा आ जाओ। आओ बेटा, अपना नाम बताओ। माय नेम इज आदरम, आई स्टडी इन 8th क्लास। बताएं क्या प्रोग्राम है बेटा, अभी 8th में तो क्या मार्क्स लाने हैं आपको और क्या प्लानिंग है आपकी? ए ग्रेड बनानी है इस टाइम पे तो। ओके ठीक है, क्या बनना चाह रहे हो भविष्य में? माय ड्रीम इज आईएएस। आईएएस, रीजन? रीजन इज मदर एंड फादर। नहीं नहीं, आप क्यों आईएएस बनना चाह रहे हो? आगे वो होगा जो देखा जाएगा। ठीक है बेटा, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। वेल डन, अपने ड्रीम को दिल से पूरा करो। इस 25 के बाद नहीं भी शायद, है ना। नहीं है ना बेटा, अपना नाम बताओ और कौन सी क्लास में हो और भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है? शिखा उपाध्याय नाम है मेरा। शिखा उपाध्याय नाम है मेरा और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और आगे का प्लानिंग मेरा 9th या 10th में। ओके बेटा, और आप क्या बनना चाह रहे हैं? आप डॉक्टर। क्यों बनना चाह रहे हैं? मैं वो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना, स्कूल वाले का नाम रोशन करना। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। दिल से बिल्कुल पढ़ो, अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपना आगे का ड्रीम तैयार कर रखा है, है ना। थैंक यू बेटा। बिल्कुल बेटा, अपना नाम बताएं और बताएं कि आप कौन सी क्लास में है और क्या बनना चाह रहे हैं? माय नेम इज शिवनाथ पांडे। ओके। माय क्लास 9th। ओके बेटा, मैं फौजी बनना चाहता हूँ। फौजी बनना चाहता हूँ, क्या बात है। सेकंड पर्सन इज मीट विद मी नाउ, अभी दूसरे बंदे हो जिन्होंने मेरे को फौज के लिए बोला है, एक पैरामिलिट्री के लिए बोले, सेकंड ने आपने इसके लिए बोला, बहुत बढ़िया बात है। फौजी क्यों बनना चाह रहे हो? सर देश को बचाने के लिए। देश बचाने के लिए, ठीक है। ओके ठीक है, देश बचा। हाँ बेटा, आपका चैनल का नाम क्या है? बेटा बटोई विजन है, यूट्यूब चैनल है, है ना। अच्छा, यूट्यूब चैनल है बटोई विजन, स्पेलिंग चेक कर लो और जो है सब लोगों का ये आ जाएगा। और है बेटा कल नाइट जी। नाम बताओ। माय नेम इज गव्य शर्मा। कौन सी क्लास में हो? 8th में हुई हूँ अभी। ओके, क्या प्रोग्राम है बेटा बनने का? 8th क्लास में आ गए? अरे बाबा, क्या प्रोग्राम है बेटा पढ़ाई का, आगे क्या बनना है आपको? मेरे को लॉयर बनना है। लॉयर बनना है, क्या बात है। आपको जज नहीं बनना? जज मतलब जब लॉयर बनूंगी उसके बाद जज बन जाऊंगी। अच्छा, नहीं लेकिन
फाइनली आपको जज बनना है या लॉयर बनना है? जज ही बनना है वैसे तो। जज ही बनना है ना, लॉयर में और जज में अंतर होता है ना, दोनों ज्यूडिशरी के पार्ट होते हैं, लेकिन जो लॉयर होता है वो फाइट करता है, जज जो है वो जजमेंट देता है ना। अब आपको जज बनना है या लॉयर बनना है? जज बनना है। जज बनना है ना। अभी से ड्रीम को बिल्कुल डे बाई डे आप अपने ड्रीम को पक्का करो है ना, सुबह सुबह जज की सोचो, शाम को जज के बारे में सोचो और ये फाइनल करो कि मुझे ज्यूडिशरी में जाना ही जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है बेटा, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ओके, वेल डन बेटा, थैंक यू। और क्या बनना चाह रहे हो, कौन सी क्लास में हो? माय नेम इज राघव सिंह राठौड़। ओके, आई स्टडी इन 6th क्लास। सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, पहला बेटा मिल रहा है मेरे को जो ये कह रहा है कि क्रिकेटर बनना चाह रहा हूँ, है ना। क्रिकेटर तो, क्रिकेटर तो बहुत लोग खेल रहे हैं बेटा, फिर क्रिकेटर आ रहे कहाँ जरूरत है बेटा? सर मेरे को बोले बेटा बोले, देश के लिए खेलने के लिए। देश के लिए प्रैक्टिस चालू कर दी? यस सर। बहुत बढ़िया है ना, ठीक है बेटा, है ना, अपने ड्रीम को पक्का रखो, बिल्कुल जीत जाओगे, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, आपका नहीं हुआ अभी बेटा, अपना नाम बताओ और कौन? माय नेम इज आरव पांडे, आई एम रीडिंग 3rd क्लास। ओके, मुझे बिजनेसमैन बनना है। अरे बेटा, पहले बच्चों जो बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो, क्या वक्त है, क्यों बनना चाह रहे हो बिजनेसमैन? मैं अपनी मम्मी के सारे सपने पूरा करने चाहता हूँ। अच्छा, तो बिजनेसमैन बन गए और सारे हैं, तो कोई स्पेशलिस्ट बनना है आपका? ओके, उसके लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। ठीक है बेटा, पढ़ाई भी करो और बिजनेस की तरफ फोकस ध्यान रखना सही समय पे, ठीक है बेटा, थैंक यू। साफ का परिचय लेते हुए इस तरह चाहेंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं स्कूल के बारे में वगैरह वगैरह। पिछले 10 वर्षों से कीर्तिमान स्थापित किया है स्कूल ने, मैं डॉक्टर अतिराम गुर्जर इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वितरण सर को बधाई देता हूँ। देखिए मोटिवेशन का बहुत फर्क पड़ता है, हम लोग जो मोटिवेशन देते हैं बच्चों को, मोटिवेशन देते हैं और प्रिंसिपल वगैरह को देते हैं, इसका डेफिनेटली फर्क पड़ता है। बच्चों के लिए हम तो यही कहेंगे कि इनके शुभकामनाएं देते हैं, आगे बढ़े। साथ से भी कुछ जानना चाहेंगे और आगे मिलेगा।